ये घर है श्री हीरालाल जी और श्रीमती चंद्रा देवी का। इनका संबंध एक साधारण मारवाड़ी परिवार से है। मारवाड़ी जाति में इनका जीवन रहन सहन किसी से भिन्न नहीं बल्कि एक समान है। सन 1932 में पंडित नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए। फिर अपनी सहमति से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पर राष्ट्र विभाग का मंत्री नियुक्त किया और इस प्रकार डॉक्टर लोहिया जी का देश के प्रति राजनीति में निस्वार्थ कदम आगे बढ़ा। भारत देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारियों ने सर पर कफन बांध लिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को एक लंबी बीमारी ने घेर लिया और ये पूर्ण अस्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने इनका दो बार ऑपरेशन भी किया लेकिन ये ठीक ना हो सके और समाजवादी विचारधारा के चिंतक, देश प्रेमी, संघर्षशील नेता का अभाग्यवश 12 अक्टूबर सन 1967 को निधन हो गया। समाजवाद के लिए जो उनका योगदान रहा वो बेमिसाल है, हमारा उनको शत शत नमन। डॉक्टर लोहिया का जो आवाम के लिए पैगाम था उसके लिए जो बहस जारी थी वो आज भी जारी है, सत्यमेव जयते।